नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका दिवाली खुशमय मंगलमय हो और भगवान सारी इच्छाएं सबकी पूरी करें। आज मैं ब्लॉग दोपहर से शुरू कर रही हूँ। और अभी पहले मैं ब्लॉग शुरू करने से पहले ना एक चीज़ बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड ना खटिया बना रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों को खटिया पता होगा, चारपाई भी बोल सकते हो। तो वो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है। तो जब उन्होंने शुरू किया था तो मैंने छोटा सा क्लिप लिया था प्रिपरेशन, और आज जो मैं दिखाऊंगी फ्रेम रेडी हो गया है। तो पहले आप लोग वो प्रिपरेशन देख लो, फिर उसके बाद हम आगे का वीडियो चालू करते हैं। हमारे यहाँ जो खटिया बन रहा है ना, देख सकते हैं उसका प्रोसेस चालू हो गया है। पूरा गराज के सामने पूरा गंदगी चालू, फैन लग गया है, गराज का फैन, और सारा इक्विपमेंट निकल रहा है। जैसे बाहर के लोग काम करते हैं ना, आदमी लोगों को बुलाओ तो पूरा बैग वगैरह यहीं पे है उसका, और ये खाना भी खाया गया है, ये भी यहीं पे है प्लेट, और ये सारे मशीन, ये सब मेरे हस्बैंड का पुराना है सब। ऐसा नहीं है कि नया लिया है, ख़रीदा है, क्योंकि ये सब काम हमेशा करते रहते हैं हम लोग। घर का फ्लोरिंग भी खुद किए हैं, तो ये सब मशीन जो है इन्होंने ले रखा है। मेरे को खटिया बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। यहाँ पे बॉक्स से ये मशीन निकाल के आप लगाए हैं, अभी टेस्टिंग चल रही है। और इस खटिया का साइज आने वाला है 6 फुट 3.5 फुट या। तो अब यहाँ पे बैठेंगे, एक वहाँ पे चला गया लकड़ी अंदर, अभी पूरे शाम तक काम करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि एवरी वीकेंड जब उनको काम नहीं ऑफिस से फ्री रहेंगे सैटरडे संडे, तभी ये काम हो सकता है। तो आज इन्होंने शुरू किया है छुट्टी में। तो चलो अब मशीन चालू करते हैं। घिसने के लिए मशीन लोगों ने वो देख ही लिया। अब मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सैटरडे संडे ही सिर्फ छुट्टी होती है, तो छुट्टी छुट्टी के टाइम पे ये सिर्फ बनाएंगे बैकग्राउंड में। वो भी नॉइज़ किसका है, बारिश हो रहा है, चल रहा है नवंबर। नवंबर के सीज़न में हरिकेन नहीं आता है, दिसंबर में तो बिल्कुल भी नहीं। वही बिन बादल बारिश जो बोलते हैं, बिना मौसम बारिश जो बोलते हैं, वही हो रहा है, बिना मौसम हरिकेन आ रहा है। तो अभी चलो इंडोर हम दिखाते हैं कि हमारे विंडो का क्या हुआ है। सारा विंडो बंद है अभी इस वक्त। ये मेरे बाथरूम का विंडो है, देख सकते हैं पूरा ये ब्लू ब्लू टेप लगा है, पूरा प्लास्टिक बैग बाहर से लगाया हुआ है, ताकि पेंट जो है स्प्रे करेंगे तो कांच पे ना जाए, तो इसलिए ये बंद किया है। तो और अंधेरा बना पड़ा है घर में। और दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा जितने भी विंडो है ना, वो पूरा प्लास्टिक बैग लगा करके और डार्क बना दिया है। एकदम सांस फूल रहा है। ये मेरे बेडरूम का पेड़ है, ओरिजिनल पेड़ है, घर में आर्टिफिशियल पेड़ मैं पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं लगाती हूँ। नहीं लगेगा चलेगा, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं। यहाँ पे ऊपर भी, हमारे लिविंग रूम के ऊपर भी, मतलब लिविंग रूम अंदर है इंडोर, ये ऊपर 3 विंडो है, ये पूरा सील किया हुआ है, यहाँ से रोशनी नहीं आ रही है। और यहाँ का टचवुड छोड़ दिया है, अभी नहीं किया है, टेप नहीं लगाया था, तो ये यहीं से रोशनी एकदम बढ़िया आ रही है। अभी मैं लेवी खटिया का फ्रेम जो है मैंने अंदर ले लिया, क्योंकि बारिश का छींटा आ रहा था और अभी नया नया बन रहा है, तो बाहर रहता तो ख़राब हो जाता, तो अभी अंदर आ गया है ये।
अभी डाइनिंग रूम का दिखा रही हूँ। इधर आने का ही मन नहीं कर रहा है। फ्रंट साइड ये पूरा ऊपर एकदम ब्लू टेप, ये पूरा इस तरह की रोशनी आ रही है, पूरा कवर है। एक बार बोल रही थी ना आप लोगों से, मेरा इंडोर मनी प्लांट, मेरे पास भी क्रिसमस ट्री है, राइट? दिखाऊंगी, ये है मेरा क्रिसमस ट्री, हंसना मत, पर इतना बड़ा हमने ले रखा है, वो भी बच्चों के ज़बरदस्ती करने से कि चाहिए उनको, इसलिए हमने लिया है ये क्रिसमस ट्री। और ये प्लास्टिक का है, जब क्रिसमस चला जाता है तब इसको हम बंद करके इसके बॉक्स में करके रख देते हैं। और कुच्चू सा है, बड़ा सही रहता है लगा के ना ऐसे। एक तो ये खिड़की है और ये है डाइनिंग रूम है, तो यहाँ पे खिड़की, यहाँ पे लोग ऐसे क्रिसमस ट्री वगैरह सजा के ना विंडो ऐसे ओपन रखते हैं, तो बहुत अच्छा जगमग जगमग। अभी लाइट स्विच नहीं लगाया यहाँ पे, ये स्विच है, लगाएंगे और इसमें से ना एकदम बढ़िया इसी में लाइट लगा हुआ है, ऐसे शाइन आता है, ब्लिंक ब्लिंकिंग। ये है, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, इसी से लाइट आता है। तो ये है हमारा क्रिसमस ट्री, बढ़िया सा, और नीचे जैसे तांबे जैसा लगा हुआ है ना, और ऊपर ये ट्री है, अच्छा है। बच्चे बहल भी जाते हैं और ज़िद भी नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती भी नहीं करते हैं, उनका काम भी हो जाता है, हमारा भी काम हो जाता है। लाइट ऑफ कर दो और पानी थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है, तो मैं चलो बाहर से दिखा देती हूँ कि बाहर का क्या है। ये गैराज के अंदर का है, ये हमारा बेटा आ गया गाड़ी लेके, गाड़ी भीगा हुआ है क्योंकि स्कूल में मतलब उन्होंने जूम मीटिंग कर दिया है, क्लास सारे कैंसिल हो गए, सारे स्टूडेंट को बोल दिया गया घर पे जाने के लिए क्योंकि विंड जो है स्ट्रांग हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे कुछ पता चलता है ना ऐसे तूफान का, तो तुरंत स्कूल में छुट्टी कर दिया जाता है। और यहाँ पे छुट्टी मतलब वही जूम कॉल घर से करेगा, अटेंड करेगा मीटिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं जो गैराज का जो विंडो था ये भी पूरा सील किया हुआ है, इतना डार्क है। अब हम ओपन कर लेते हैं, चलते हैं, थोड़ी देर के लिए पानी थमा हुआ है तो हम बाहर चल के दिखाते हैं कि बाहर से कैसा लग रहा है, कैसे सील किया है। गाड़ी चार्जर पे लग जाता है, आते ही एक काम ये रहता है गाड़ी चार्जर पे लगा दूँ। तो मेरा होंडा वहाँ पर पड़ा है अभी तक, ओके। पेड़ के नीचे आ जाती हूँ, ड्रॉप नहीं गिरेगा। बाहर से इस तरह से सील किया गया है पूरा प्लास्टिक लगा करके, डोर अभी छोड़ा है, डोर के ऊपर का भी ध्यान से देखेंगे ना, ऊपर का विंडो जो दिखा रही थी ना बाहर से इस तरह से। अब लोग और ये लाइट वगैरह सब निकाल दिया है और देख सकते हैं लिविंग रूम का जो मैं बता रही थी ना, लिविंग रूम में डाइनिंग एरिया का ये देखिए इसी तरह से पूरा सील किया गया है। और ये जो है ओपन करके चला गया है, इसको बंद नहीं किया है, बंद हो गया। और लाइट वगैरह अब यही एक एक चीज़ हमें बिन बिन के रखना है, ऐसे टाइम पे हमने काम पाना हुआ है ना, इसको तो हम ट्रैश कैन में ही डाल देंगे, बहुत डर्टी हो गया है ये। तो भी बैक साइड में दिखाते हैं कितना हमारे लिए काम छोड़ के गया है। ये बकेट वगैरह जो है यहाँ पे पेंट का उन्हीं लोगों का है, और ये काम ना लगवाने की, काम नहीं लगा होता अभी तो ज़्यादा अच्छा था, उन लोगों की वजह से हमें हमारे पास इतना काम निकल गया है। और इधर भी सारा सब कुछ सील कर दिया गया है, यहाँ पे क्या क्या छोड़ा हुआ है ये, ओ गॉड, इतनी सारी सामान है, सीढ़ी वगैरह है सब, और ये सब ले जाके गैराज में ही रखना पड़ेगा। अदर साइड चलते हैं, देखते हैं उधर क्या है। और एक तो ना ऐसे बारिश अभी थोड़ी ही, या फ्रॉग 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 फ्रॉग, सुंदर सा फ्रॉगी,
क्यूरी पाई फ्रॉगी, डर भी नहीं रहा है यार, हद है। चलो इसके पीछे से मैं भी निकल लेती हूँ, सांप ना दिख जाए। हमारे यहाँ सांप, पालतू सांप दिख जाता है, दूर से डर नहीं लगता पर ऐसे सामने ना पड़ जाए उससे डर लगता है। चलो करी लीव्स देखो, इनके तो दर्शन कर ही लिया करो। अब देखो करी लीव के और भी सारे पत्ते पेड़ निकल रहे हैं। केला हमारा जो है देखो इस हरिकेन में बचता है कि जाता है, इतना सुंदर सा केला भी है, बढ़िया सा। दूसरे साइड भी देख लेते हैं हम कि सांप मत दिखना प्लीज़, सांप ना दिखना, सांप ना दिखना, नहीं दिखा। ओके ओके चलो। अरे यार इधर भी है प्लास्टिक, इधर है, बड़ा काम कर रहा। इधर भी देखो पता नहीं क्या बैग, इधर भी कितनी सीढ़ियों की काम हो लगती है यार इन लोगों को। चार सीढ़ी तो मेरे ही पास था, मेरा ही ले लेते यार। तीन सीढ़ी इधर, चार पांच सीढ़ी उधर, पता नहीं सीढ़ी सीढ़ी खेलेंगे क्या ये लोग। ये देखो इस साइड, दूसरे साइड से एक छोर से मैं गई हूँ, दूसरे छोर से निकल रही हूँ। ये हो रहा है हमारे घर पे पेंट का काम, और अभी ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, इस वक्त नहीं होना चाहिए था क्योंकि मेरे लिए काम बना के गया है। चलो बारिश अब फिर से शुरू होने वाला है, और अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे आगे जैसा रहेगा ये मौसम और खटिया का न्यूज़ और पेंट सब अपडेट देती रहूँगी। चलो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।